हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1.3 का। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे भी आपको सन्निकट मान ही ज्ञात करना है। जैसे यहाँ है 439, तो 439 का सन्निकट मान हो गया 400 और 334 का सन्निकट मान हो गया 334 का सन्निकट मान 300 हो गया और यहाँ है 4317, तो 4317 का सन्निकट मान हो गया 4317 का सन्निकट मान 4300। तो अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ ऐड करने पे कितना आएगा, 0 का 0 आ जाएगा, ये भी 0 का 0 आ गया, और 3 3 6 6 और 4 10 का 0, बाकी रह गया 1 और 4 1 5 हो गया, तो टोटल हो गया 5000। तो ए नंबर का आंसर हो गया 5000। बी नंबर का भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे है 1,08,734 - 47,599। तो दोस्तों, जैसे हमने फर्स्ट नंबर में क्या किया, यहाँ पे प्लस था, इसीलिए हमने यहाँ पे सन्निकट मान निकालने के बाद प्लस कर दिया सबको, लेकिन बी नंबर में है माइनस, तो हम इसका सन्निकट मान पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ है 1,08,734, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा, इसका सन्निकट मान हो गया 1,08,700। तो दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे है 47,599, तो दोस्तों 47,599 का सन्निकट मान हो जाएगा 47,600। तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे आएगा, यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा और ये भी 0 का 0, और 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1, और फिर यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6, यानी आ गया यहाँ पे 61,100। तो हमारा बी नंबर का आंसर हो गया 61,100। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ पे 6 की जगह पे 5 लिख दिया था और इस वजह से यहाँ पे गलती हो गई थी। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर सी है 8,325 - 491। तो इन दोनों का सन्निकट मान पहले निकाल लेंगे, 8,325 का सन्निकट मान 8,300 और 491 का सन्निकट मान हो जाएगा, 491 का सन्निकट मान 491 का सन्निकट मान हो जाएगा 500। और क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे यहाँ पे आया 7,800। तो सी नंबर का जो है आंसर हो गया 7,800। तो डी नंबर का भी ऐसे ही बनाएंगे। तो डी नंबर में है 4,89,348 - 48,365। तो इन दोनों का भी सन्निकट मान पहले ज्ञात करेंगे, 4,89,348 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 4,89,300 - 48,365 का सन्निकट मान 48,400 आ जाएगा, और इसको हम माइनस करेंगे। दोस्तों, इसको माइनस करने पे आ जाएगा 4,40,900, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री हम अगले वीडियो में देखेंगे। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।